नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल बताने वाली हूँ तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के बारे में। तुला राशि, कुछ बड़ी योजना बना सकते हैं, बाहरी स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। दिसंबर के महीने में आपका काफ़ी धन खर्च होने वाला है। नए ऑफिस की शुरुआत कर सकते हैं। महिलाओं के सौंदर्य की काफ़ी प्रशंसा होगी। स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें। मन में कुछ दुविधा की स्थिति बन सकती है। बच्चों के करियर में काफ़ी उछाल आ सकता है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि के कारण फाइनेंस संबंधी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ सकते हैं। आशावादी रवैये के कारण लाभ होगा। जो पुरुष लोग हैं वो अपनी पत्नी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी की कुछ बातों को शायद अच्छी न लगे, लेकिन मन में प्रेम भाव और बढ़ेगा। मित्रों के लिए एक अच्छा मोटिवेटर के रूप में आपकी ख्याति प्राप्त होगी। आपकी मैनेजमेंट की हर जगह प्रशंसा होगी। सूर्य के गोचर के परिवर्तन के बाद आपके नए व्यापारिक संबंध विकसित हो सकते हैं। पिता के प्रति आपके मन में आदर भाव बढ़ेगा। पिता आपकी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 24 दिसंबर को मंगल के मेष में गोचर के बाद कारोबार में बढ़ोतरी होगी। आय के नए स्रोत निर्मित हो सकते हैं। शुभ दिनांक है दिसंबर की 5, 7, 11, 24, 14, 16, 21, 22, 25 और 30। अशुभ दिनांक है 1, 2, 8, 9, 17, 18, 26 और 27। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन पर दबाइएगा, उसके बाद घंटे के बटन पर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिसंबर का महीना कैसा बीतने वाला है। अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के बलबूते पर कई कठिन काम एक साथ पूरे कर लेंगे। परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है। जिन कन्याओं का विवाह तय नहीं हो रहा था, उनका विवाह तय हो सकता है। अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी वाक शैली के कारण ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। महीने की शुरुआत में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। ऑफिस के तनाव से मुक्ति मिलेगी। कपड़े और ज्वेलरी के व्यवसायिकों की आय बढ़ेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दबाव अवश्य आपके ऊपर रहेगा। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। यदि पदोन्नति की इच्छा रखते हैं तो यह महीना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। अध्ययन और कारोबार में प्रगति उत्साहित होंगे। ईर्ष्यालु लोग आपके बारे में जो है गलत बातें प्रसारित कर सकते हैं। हालांकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी के आसपास दर्द की शिकायत हो सकती है। आँखों के रोगों को हल्के में ना लें। शुभ दिनांक है दिसंबर के 1, 7, 8, 9, 17, 18, 25 और 27। अशुभ दिनांक है 2, 3, 11, 12, 15, 19, 20, 28 और 29। आप जानते हैं धनुराशि के लोगों के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सोशल मीडिया पर भी आप मेरे वीडियोस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। चलिए जानते हैं धनुराशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा बीतने वाला है। मन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। शेयर बाजार में घाटा हो सकता है। माता पिता के साथ कोई विवाद हो तो इस महीने दूर हो जाएगा। महीने के पूर्वार्ध सामान्य रहेगा। घर से दूर जाना पड़ सकता है। दाम्पत्य रिश्तों में आत्मीयता रहेगी। प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने वाली प्रवृत्ति रहेगी। पेशेवर मामलों में चूक बारी पड़ेगी। महीने के तीसरे सप्ताह में करियर की समस्या दूर होगी। मसालेदार भोजन करने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में संवादहीनता पनप सकती है। पहले और दूसरे हफ्ते में कुछ परेशानी आने की आशंकाएं हैं। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। घर के लिए फर्नीचर खरीद सकते हैं। प्रणय संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है। आपके द्वारा बोला गया झूठ पकड़ा जा सकता है। अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाने में सफल होंगे। सूर्य के गोचर बदलने के बाद आपकी काफ़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। संतान की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति होगी। दिसंबर के महीने में शुभ दिनांक है आपके लिए 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 26, 28 और 29। अशुभ दिनांक है 4, 5, 7, 12, 13, 18, 22, 23 और 31। तो ये था इन तीनों राशियों का मासिक राशिफल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।